हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आज लेके आए हैं आपके लिए दाने वाली मेथी और हरी प्याज की सब्जी। यह सब्जी घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए ठंड में रामबाण काम करती है। इतना दवाई ये काम नहीं करती जितना ये काम करती है देसी। आपसे निवेदन है, हफ्ते में 2 बार इस सब्जी को बनाएं और खाएं, और ठंडों में से खाते रहें, तो आपका घुटनों का दर्द हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाएगा। आइए अब इस सब्जी को बनाते हैं। सब्जी बनाने के लिए हमने लिया है 1 चम्मच धनिया, नमक स्वाद अनुसार, इतना छोटे छोटे टुकड़ों में हमने अदरक काट लिया है, 1 चम्मच गर्म मसाला, 4 हमने हरी मिर्च ली है, 1 चम्मच लाल मिर्च ली, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सादा ही जो मसाला पड़ता है वही सब कुछ है। और 1 कटोरी हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट। बनाने के लिए हम लेंगे 1 कटोरी तेल, ये हमने तेल डाल दिया। अब तेल को हम गर्म होने देंगे, तो इतने गर्म होगा समझ चुका आप। इसमें हम जीरा डालेंगे, लहसुन प्याज का पेस्ट का। हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है, अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे। ये सूखे मसाले हमने ऐड कर दिए, अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, इस मसाले को भी थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद हम मेथी इसमें डालेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम मेथी डालेंगे जिसे हमने 4-5 घंटे पहले भेज दिया था। 100 ग्राम मेथी भेजी थी, अब ये बहुत अच्छे से फूल गई है, हाथ से दबाने से भी दाना दब रहा है। जो हमने भेजी थी इसका पानी हमने अलग कर लिया है, अब इसको हम इसमें डालेंगे थोड़ा। जो मेथी का पानी है जिसमें हमने भेजी थी, उस पानी को निकाल देना है, पानी से अलग मेथी अलग निकाल लेनी है। उस पानी को कभी भी भूल से इसमें डाल देना, तो ये कड़वी हो जाएगी। हमने इसको 2 मिनट भून लिया है, मेथी दाने को ये भून गया है, अब इसमें हम हरी प्याज ऐड कर देंगे। 100 ग्राम प्याज लिए, अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी में ही बन जाएगी, इसमें पानी नहीं डालना है, ऐसे ही बन जाएगी ये। हल्की आँच में बनानी है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, इसको खाएं और अपने घुटने और जोड़ों के दर्द के लिए बाय बाय करें। हफ्ते में 2 बार बना के खाएं इसको, और इसको ये ख़राब भी नहीं होती है। इसको बना कर फ्रिज में रख दें और आराम से शाम सुबह दोनों टाइम खाना जब खाएं तो थोड़ी सी प्याली में निकाल लें और उसको खाएं। हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।